हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुपेश टेक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट ज्वाइनिंग एंड अनबोर्डिंग अपडेट ऑफ टॉप एमएनसी कंपनी। कुछ एमएनसी कंपनी है जिनकी अनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग अपडेट के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसा आपको पता है कि काफी ऐसी कंपनियां हैं जो आपकी अनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग अपडेट जो है लंबे समय से होल्ड पर रखी हुई है, या तो अब अपडेट दे रही है तो धीरे धीरे दे रही है, कुछ ऐसी हैं जो दे भी रही है तो सर्वे लिंक दे रही है और अपडेट नहीं दे पा रही कि कब इनकी ज्वाइनिंग होगी, अपडेट होने वाली है उसकी। ठीक है, यदि हम बात करते हैं TCS के बारे में, तो TCS ने हाल फिलहाल में ही अपना जो है ऑफर लेटर रिलीज करना शुरू हो चुका है और इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आनी शुरू हो चुकी है। और SCL की बात करें तो SCL वालों ने अपनी ऑनबोर्डिंग जो डेट दी थी और ज्वाइनिंग लेटर जो दी थी वो पोस्टपोन कर रखे हैं। ठीक है, कैपजेमिनी के बारे में बात करते हैं, इन्होंने 2023 के एंड तक बोला है। और विप्रो के बारे में बात करें तो इन्होंने भी एक सर्वे लिंक दिया था, सर्वे लिंक के थ्रू जो है ये ऑनबोर्ड करने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ओवरऑल जो है आपको बात बतानी थी। और अभी जो हम बात करने वाले हैं वो प्रत्येक कंपनी की जो है डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे कि इनकी लेटेस्ट ऑनबोर्डिंग अपडेट क्या है, इनकी न्यू डेट क्या है, कब रखी गई है, कब आपका नेक्स्ट अपडेट होने वाला है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम इशू क्रिएट होती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज और रुपेश टेक पे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद आप हमें मैसेज करेंगे तो आपके मैसेज का रिप्लाई जो है एट इंस्टेंट में भी मिल सकता है, DM करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ तो आपको जवाब मिल जाती है। बाद बाकी हमारे वीडियो प्रेसक्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, लिंक पे क्लिक करके भी आप हमसे बात कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा तो कमेंट के थ्रू भी जो है आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए हम डिटेल में बात कर लेते हैं। और बात करेंगे हम अपने सबसे पहले कंपनी के ऊपर जो हमारा है TCS। ठीक है, TCS की बात करें तो TCS जो है पहले ही इन्होंने अपना आप बता रखा है कि हम जितने सारे बच्चे को ऑफर लेटर दे चुके हैं, मतलब जितने सारे ऑफर बच्चे सेलेक्टेड हैं TCS के अंदर, उन सारे बच्चों को ऑफर लेटर तो जरूर मिलेगा। और ऑफर लेटर मिलने के साथ साथ इनकी जो है ज्वाइनिंग TCS में फिक्स हो जाएगी। ठीक है, चाहे वो कभी भी हो, ये फिक्स है। ठीक है, इन्होंने ये चीज को पहले ही बता रखा है। और जो इनकी लेटेस्ट अपडेट की बात में बात और जो इनकी लेटेस्ट अपडेट के ऊपर बात करें तो लेटेस्ट जो अपडेट है इनके बारे में मैं आपको बताऊं तो इनकी हाल फिलहाल में ज्वाइनिंग लेटर रिलीज हुई है, जो लेटेस्ट है। ज्वाइनिंग लेटर जो अभी रिलीज हुई है वो कंटिन्यूअस हो रही है, लेकिन अभी जो ज्वाइनिंग लेटर रिलीज हुई मैं लेटेस्ट अपडेट के ऊपर बात करूंगा, जो 19 सितंबर 2023 को जो है ज्वाइनिंग लेटर रिलीज हुई है इनके द्वारा। और जिनकी 19 सितंबर 2023 को ज्वाइनिंग लेटर रिलीज हुई है उनकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग रखी गई है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है 28 सितंबर 2023 रखी गई है। ठीक है, तो ये आपका TCS का अपडेट है। इसके अलावा TCS में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो TCS के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के ऊपर जो है सवाल आ रहा है कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो है आपकी प्रॉब्लम इशू हो रही है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनकी डॉक्यूमेंट जो है सही नहीं है, डॉक्यूमेंट सही नहीं है, जिसके कारण जो है आपको बार बार उनके द्वारा मेल आता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट कीजिए, सही चीज़ें भेजिए, जिसके बाद जो है आपका वेरिफिकेशन सही हो पाएगा। तो यदि आप किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को गलत दे रखे हैं तो आपको जब भी बोला जाता है, जब भी मेल आता है TCS के द्वारा, तो आपको रिस्पॉन्ड करना है और मेल को कंटिन्यूस चेक करते रहना है, चूँकि ये चीज़ें देखी जा रही हैं कि जो भी बच्चे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में अभी तक फेल हो चुके हैं, यानी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में फेल होने का मतलब है कि जिनकी ऑन होल्ड है या कोई भी प्रॉब्लम इशू हो रही है उनके द्वारा जो है अभी ऑफर लेटर और ज्वाइंट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि जो भी चीज़ें आपको दी जाती है उसे आप अपने कंप्लीट करना है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी एट सेमेस्टर की मार्कशीट अभी तक नहीं आई है, एट सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं आया है तो मार्कशीट को आप कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यदि नहीं आई है तो ज्वाइन करने के विद इन द 3 मंथ जो है आपको सबमिट करना पड़ता है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके 12th के ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट पर जो है नेम में मिस है, मदर्स नेम मिस है या फादर्स नेम मिस है, उनमें कोई इशू है, मतलब नाम में प्रॉब्लम है, 12th ग्रेड में कुछ और है, आधार कार्ड पे कुछ और है, ग्रेजुएशन के डिग्री सर्टिफिकेट पे कुछ और है, तो ये सारी डाउटें जो हैं वो आ रही है आपको TCS के द्वारा, जो आपको कंप्लीट कर लेना है। ये चीज़ें जो है TCS के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो TCS का अपडेट मैंने दे दिया। नेक्स्ट जो हम अपडेट बात करने वाले हैं वो हमारा नेक्स्ट अपडेट जो होने वाला है वो SCL कंपनी के बारे में होगा कि SCL कंपनी की क्या अपडेट है। ठीक है, तो इससे पहले मैं सारी चीज़ों को इरेज कर देता हूं ताकि आपको क्लियर से SCL के बारे में बता पाऊं। देखिए, SCL की बात करें तो SCL वालों ने आपको पहले ही एक ऑफर लेटर दे रखा था, SCL वालों ने पहले ही आपको एक ऑफर लेटर दे रखा था और आपकी ऑनबोर्डिंग जो थी वो
ऑफर लेटर के अकॉर्डिंग जो है आपकी ऑनबोर्डिंग बिफोर बिफोर गणेश चतुर्थी, बिफोर गणेश चतुर्थी यानी गणपति बप्पा मौर्या वाले डेट से पहले आपकी जो होने वाली थी, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या कि गणेश चतुर्थी के कारण इन्होंने क्या किया, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो दी गई थी अर्लियर उसको पोस्टपोन कर दिया। नहीं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी पोस्टपोन कर दी, और पोस्टपोन करने के बाद इन्होंने क्या बताया कि अब जो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग होने वाली है और आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो अब होगी वो न्यू ऑफर लेटर के साथ होगा, न्यू ऑफर लेटर के साथ होगा, न्यू ऑफर लेटर मिलेगा, और न्यू ऑफर लेटर में जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी जाएगी उसके बेसिस पे आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो ये एससीएल का खेला है जिन्होंने आपको बता दिया है अपने नए खेल के ऊपर कि ऑफर लेटर कौन कैंसिल करता है यार। ऑफर लेटर कैंसिल करने के बाद न्यू डेट ऑफ ज्वाइनिंग देंगे और न्यू डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है न्यू ऑफर लेटर के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो ये आपका एससीएल का है। अगर इसके ऊपर एस्पेक्ट करें तो इसकी क्या है, तो इट मे बी आपको जो न्यू ऑफर लेटर जो है जो कि हाल फिलहाल में कैंसिल हुआ है तो आपको वेट करना पड़ सकता है कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आप इसे फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हो सकता है कि ऑफर लेटर आपको रिलीज कर दिया जाए और ज्वाइनिंग जो है आपको बाय द एंड ऑफ नवंबर जो है आपकी ज्वाइनिंग भी एससीएल में हो जाए, ठीक है, 2023। तो ये हो सकता है, आपका एक्सपेक्टेड है पर श्योर नहीं है, चूंकि एससीएल वालों ने ऐसा किया है ऑफर लेटर कैंसिल करने के बाद न्यू ऑफर लेटर देने में थोड़ा सा टाइम लगेगी, फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको मिलेगी। तो ये था आपका एससीएल की तरफ से ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग अपडेट। नेक्स्ट जो हमारा अपडेट होने वाला है वो कैपजेमिनी कंपनी के ऊपर बात करेंगे, कैपजेमिनी की क्या अपडेट है, क्या स्टेटस है। देखिए कैपजेमिनी कंपनी के वीडियो में मैंने पहले ही लास्ट वीडियो में बता रखा था कि कैपजेमिनी कंपनी जो है अब क्या कर रही है, कैपजेमिनी कंपनी अपनी जितनी भी ऑनबोर्डिंग कर रही है वो अब फिजिकल पे ऊपर उतर चुकी है, यानी फिजिकल ऑनबोर्डिंग, फिजिकल ज्वाइनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग सारी चीजें जो इनकी ऑनबोर्डिंग हो या फिर ज्वाइनिंग हो या फिर इनकी ट्रेनिंग हो, इन सारी चीजें के ऊपर ये जो है फिजिकल मोड में आ चुके हैं। और इनकी जो लेटेस्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग रखी गई है, लेटेस्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 9 नवंबर, इसके ऊपर डेटा वीडियो मैंने बना रखा है, 9 नवंबर 2023 को जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग रखी गई है और ये कैपजेमिनी कंपनी के द्वारा है। और आपका जो है इन्होंने ऑनबोर्डिंग लोकेशन भी दे रखा है, और ऑनबोर्डिंग लोकेशन जो आपका होने वाला है वो बैंगलोर होने वाला है, और उसके साथ साथ आपको एड्रेस भी दे रखा है कि कहाँ पे होने वाली है, आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना होगा। इन सारी चीज़ों को इन्होंने कैपजेमिनी वालों ने बता दिया है। लेकिन इसके अलावा भी ये कैपजेमिनी की अपडेट क्या है कि कैपजेमिनी कंपनी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको उन्होंने सर्वे लिंक भेजा है कि सर्वे लिंक को आपको फिल करना है, और सर्वे लिंक जब फिल करेंगे इंटरेस्टेड होंगे तो आपका एक इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू लेने के बाद आपका इवेल्युएशन होगा। इवेल्युएशन होने के बाद आपको जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है ऑनबोर्डिंग जो है आपको दिसंबर 2023 तक कर ली जाएगी, ठीक है, ये दिया गया है। इसमें जो आपका जॉब रोल होने वाला है वो कॉन्टैक्ट सपोर्ट ग्रुप, कॉन्टैक्ट सपोर्ट ग्रुप का जो है यानी CSG का जो है आपका जॉब रोल होने वाला है, ठीक है। यदि आप ये सर्वे लिंक को फिल नहीं करते हैं, ठीक है, ये फिल जो करना था वो 26 सितंबर 2023 तक करना है और 26 सितंबर को 11 PM तक, ठीक है। तो यदि नहीं फिल करते हैं तो आपका पहले से जो ऑफर लेटर है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बेसिस पे आप एलिजिबल होंगे कैपजेमिनी ज्वाइन करने में, ठीक है। तो ये था आपका कैपजेमिनी का अपडेट। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं विप्रो के ऊपर बात करेंगे, तो आइए हम विप्रो के ऊपर बात कर लेते हैं। मीनवाइल यदि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे DM कर दीजिएगा, फॉलो करने के बाद आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स मिल जाएगा। फार्मा की कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के थ्रू भी आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगी। अब जो हम बात करने वाले हैं वो विप्रो के ऊपर बात करेंगे कि विप्रो की क्या अपडेट है, विप्रो ने क्या बताया और कैसा बताया, ठीक है। तो विप्रो के ऊपर हम बात करें तो जैसा आपको पता है कि विप्रो जो है काफ़ी लंबे समय से आपकी ऑनबोर्डिंग डिले हो रही है, और विप्रो के द्वारा जो है, पहले मैं इसे मार्क कर देता हूँ, विप्रो के द्वारा जो है विल्फ वालों को काफ़ी लंबे समय से जो है ऑनबोर्डिंग मिला, ऑनबोर्डिंग जो है इनकी कंटिन्यूस होती रही और मैक्सिमम लोगों को विल्फ में जो है, विल्फ से जो बिलोंग कर रहे हैं उनकी ऑनबोर्डिंग हो गई। लेकिन बात आती है हमारी टर्बो के ऊपर, तो टर्बो वालों का जो ऑनबोर्डिंग हमारा मार्च में हुआ था, मार्च 2023 में जो ऑनबोर्डिंग हुआ था जो कि टर्बो से इलाइट में आए थे, उनके बाद टर्बो का कोई भी अपडेट नहीं है, ठीक है। इसका जो पैकेज था 6.5 था, इन्होंने 3.5 तक एक्सेप्ट किया, तो टर्बो वालों का अब तक कोई अपडेट नहीं आया है। अभी जो अपडेट आई है वो इलाइट वालों की आई है। इस इलाइट फेज 1
और फेज टू के इंक्स के साथ इंक्लूड किया जा रहा है विल्फ को, ठीक है, विल्फ को इंक्लूड किया गया। इसमें इन्होंने क्या बताया कि जितने भी इलाइट फेज वन और फेज टू हैं, इसमें कुछ ही स्टूडेंट को मिले हैं जिनके ग्रीन ऑडिट कंप्लीट हो चुके हैं, किसी बेसिस पे कई लोगों को ग्रीन ऑडिट कंप्लीट भी नहीं हुई फिर भी उनको मेल मिला है। और ये जो सर्वे मेल मिला है, सर्वे लिंक जो मिला था आपको जो 10 सितंबर को शायद मिला था, तो इस सर्वे लिंक के बेसिस पे जो है ये आपको आपसे इंटरेस्ट पूछ रहे हैं कि आप विप्रो में ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। यदि चाहते हैं तो आप इसे लिंक को फॉर्म फिलअप करेंगे लिंक को, तो आपको हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी कुछ न्यू अपडेट आ सकती है। अक्टूबर नवंबर के बीच में जो है ये विप्रो के द्वारा कोई आपको अपडेट मिल सकती है। ये जो अपडेट होगी या डेट ऑफ ज्वाइनिंग की होगी, ऑनबोर्डिंग की होगी, ठीक है, ठीक है। जैसा इन्होंने बताया है कि हम 2 मंथ बैरियर जो है आपको इन्फॉर्म करेंगे यदि आपकी ऑनबोर्डिंग होने वाली होगी तो एक सर्वे लिंक आपको दे दिए हैं इन्होंने, और उसके बेसिस पे अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकती है, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी लंबे समय से इनका वेट कर रहे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट इनका 1 ईयर हो चुका है, 2 ईयर हो चुका है, 1.5 ईयर हो चुका है, तो आप इतने देर तक वेट कर ही लिए हैं और आपके पास कोई ऑफर लेटर नहीं है, तो आपको थोड़ा और वेट करना होगा और ऑफर लेटर मिल जाता है कहीं दूसरी कंपनी से तो ज्वाइन कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है। यदि फिर से आपकी इच्छा हो जाती है विप्रो ज्वाइन करने की, तो जब आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा विप्रो के द्वारा, लेटर ऑफ ज्वाइनिंग दिया जाएगा, तो हमारे जान मार के आ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको काफ़ी लंबे समय से वेट करना पड़ रहा है, तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अक्टूबर नवंबर 2023 तक जो है आपको इनके द्वारा कोई अपडेट मिलेगा। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी जो है फॉर्म, इन्होंने मुझे मेल किया कि सर मेरा फॉर्म जो है ज्वाइनिंग फॉर्म जो है इम्बार्क पोर्टल पे ओपन हो रहा है, क्या मैं फॉर्म फिलअप कर दूँ। देखिए, अगर आपका ज्वाइनिंग फॉर्म इम्बार्क पोर्टल पे ओपन हो रहा है तो आपको अभी नो फिलअप करना है, किसी भी तरह से फिलअप नहीं करना जब तक कि कोई अपडेट ना दिया जाए। अगर आप फॉर्म को फिलअप कर देते कुछ भी गलत हो जाती है तो आपके लिए ये रिस्की हो सकता है, आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, फिर से डिले हो जाएंगी आपकी चीज़ें, ठीक है। तो जब तक नहीं बोला जाता, जब तक कुछ भी काम नहीं करना, जो मेल आता है उस मेल के बेसिस पे आपको रिस्पॉन्ड करना है, जब तक कुछ ना बोला जाए तब तक कुछ भी नहीं करना है। तो ये जो है आपका विप्रो का लेटेस्ट अपडेट है। बाद में इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो डायरेक्टली आप हमें इंस्टाग्राम पर DM कर दीजिएगा, DM के थ्रू आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। बाद में कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड बाय बाय।